फिजिक्स में बहुत सारे डिफरेंट नेचर के क्वांटिटीज़ के बीच सर्टन रिलेशन होते हैं। इन्हीं रिलेशंस को हम फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूले हमें कई बार रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति से अवगत कराते हैं और सही चीज़ों को हमारे सामने लेकर के आते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आता है। आज हमें एक संबंध स्थापित करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। वहाँ एक बात हुई थी कि कंडक्टर के अंदर, जैसा हम पहले से मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, तो फ्लो जैसा चीज़ कोई होता नहीं, कंडक्टर के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। इस महत्वपूर्ण संबंध को निकालने के लिए हम लोग एक कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उस कंडक्टर का नंबर डेंसिटी, हाँ आप पूछेंगे कि नंबर डेंसिटी क्या होता है, तो नंबर डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसका नंबर डेंसिटी कहलाएगा। और जाहिर सी बात है कि डिफरेंट मटेरियल अगर आप लेंगे तो ये नंबर डेंसिटी डिफरेंट होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा। तो इस तरह से आपने एक एज्यूम कर लिया कि यूनिफॉर्म नंबर डेंसिटी का कंडक्टर। अब अगर यहाँ कोई सोचता है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा करंट के समय, तो ऐसी बात नहीं होगी। एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपेगेट नहीं कर सकता। ओके, कर क्या सकता है, अपने ही पोजीशन पे स्लाइटली शिफ्ट कर सकता है, और इसके बारे में हमने देखा था कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आया था। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि कंडक्टर के एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं और वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। तो वैसे केस में हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और इस एलिमेंट को क्रॉस करने में आपका इलेक्ट्रॉन सक्षम होगा, यानी इसका ड्रिफ्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को इस एंड से दूसरे एंड। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि मालूम है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है। ओके, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि इस एलिमेंट को अगर हमने डीएल लिया तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर, क्योंकि ड्रिफ्ट का लेंथ मालूम है, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई। अभी नंबर डेंसिटी यूनिफॉर्म थी तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में उस वक्त जो मौजूद था और टोटल वॉल्यूम जो था उससे डिवाइड कर दिए, या हम ऐसा करते ये छोटा एलिमेंट का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छोटे एलिमेंट के वॉल्यूम से डिवाइड करते तब भी वही क्वांटिटी होता। ओके, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आप dn इज इक्वल टू n इंटू dv लिख सकते हैं। और अगर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को a ले लिया जाए तो इस हालत में आप n a, चूँकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ dl है और एरिया a है, तो आप a इंटू dl लिख सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब इस समय जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका अमाउंट क्या है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, ज़्यादा बढ़िया होगा बोलना, तो एलिमेंट ऑफ कंडक्टर आप ऐसा लिख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद होगा आप n इंटू e लिखते थे, लेकिन यहाँ पर dn नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं तो आप यहाँ dn इंटू e, और इसीलिए ये टोटल चार्ज नहीं होकर के dq अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से dn का वैल्यू ले लीजिए, वो आपका n a है ना, dl तो रहेगा ही और ये e, तो ये dq का एक्सप्रेशन आप चाहें तो कुछ अरेंज करके लिख सकते हैं n e a इंटू dl। चलिए, अभी बाय डेफिनेशन आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन पिछले कक्षाओं में पढ़ा आपने, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जो है वो बेसिकली I इज इक्वल टू dq बाय dt होता है,
यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू ला करके पुट कर लीजिए तो आप लिखेंगे एन ई ए डी एल डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, चूँकि नंबर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सभी कॉन्स्टेंट हैं, डी एल ही डी टी के साथ वेरी कर रहा है और डी एल बाई डी टी को आपने वी डी लिखा है तो आप आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी लिख पाएंगे। ये आपका करंट और ड्रिप वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ड्रिप वेलोसिटी की बात करें तो VD का जो ऑर्डर होता है काफ़ी स्मॉल 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। अगर VD 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर के वायर की बात करें उसको क्रॉस करने में उसको 10,000 सेकेंड मतलब करीबन 3 से 3.5 घंटे लग जाएंगे और आपके फैन से लेकर के स्विच तक की दूरी लगभग वायर घूम करके जो वाल में आता है 10 मीटर हो जाता है। तब तो आप जब स्विच ऑन करें तो करंट वहाँ तक जाने में 3 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 3 घंटे बाद स्विच ऑन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर यही चीज़ हम पावर स्टेशन की बात करें तो कुछ पावर स्टेशंस 100 से 1,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन या करंट को आने में जब स्विच ऑन हो जाए तो लगभग है ना 50 सालों का समय लग सकता है। तब तो एक बार स्विच ऑन हुआ, लाइट आया हमारे ज़िंदगी में और अगर वो चला गया तो दोबारा स्विच ऑन होकर के आते आते हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी क्योंकि एवरेज लाइफ स्पेन 70 इयर्स का लोग मानते हैं। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा तब करंट बनेगा? नो वे, ऐसा ही बात नहीं है, इस बात को आप इग्नोर करें। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाता, एक्चुअली उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही करंट होता है। ओके, अब ये फेनोमेना कुछ ऐसा है, आपने देखा होगा कई जगह जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और सामान की ढुलाई होती है तो ऐसा नहीं कि एक आदमी एक ईंट या मटेरियल लेकर के जा रहा है और फिर लौट के आ रहा है तो लेकर के जा रहा है, एक काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग करते क्या हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे लाइन से लोग खड़े हो जाते हैं, सभी जितने भी वर्कर होते हैं सभी खड़े हो जाते हैं और एक ब्रिक उठाता है दूसरे को पास करता है, एक ब्रिक उठाता है दूसरे को पास करता है, बस अपने ही पोजीशन पे रह करके शिफ्टिंग होती है। तो उसी तरह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ते हैं किसी कंडक्टर को तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है अपने पोजीशन से स्लाइटली ड्रिफ्ट करता है और ये डिस्टर्बेंस दूसरे को भी फॉरवर्ड कर देता है तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन भी स्लाइटली ड्रिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि एक कंडक्टर में नंबर डेंसिटी काफ़ी लार्ज होती है तो यहाँ वो ड्रिफ्ट और शिफ्ट होने का कार्यक्रम काफ़ी फास्ट होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर एट ए टाइम करते हैं और इस वजह से करंट इंस्टेंटेनियस हो जाता है। अदरवाइज अगर हम करंट के ओरिजिनल डेफिनेशन को लेके चलें तो करंट का इंस्टेंटेनियस नेचर प्रूव नहीं हो पाएगा। तो याद रखें कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो एक्सप्रेशन तो यही है I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, वी डी स्मॉल होने के बावजूद भी करंट का नेचर इंस्टेंटेनियस है और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम पे डिपेंड करता है। वो तो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है क्योंकि उसके पास डिफरेंट मटेरियल डेंसिटी होगी।